तो हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर टुडेज व्लॉग। और एक मज़ेदार बात हुई, सुबह मैं उठी तो ये कॉकरोच यहाँ पर एक गिरा पड़ा था, बड़ा स्टैग्नेंट सा, स्टेबल सा था। मुझे लगा ये मर चुका है, पर मैं सोची थी यहाँ आके क्यों मरा रास्ते के बीच में। पर फिर अभी की लाइट जैसे मैंने ऑन किया, देखा ये तो हिल रहा है मस्त। फिर पता चला ये उल्टा हो गया गलती से बेचारा। सीधा नहीं करने वाली मैं, वरना पूरे घर में रैंक के मुझे डराएगा। देखो देखो, ये कॉकरोच बहुत चला, कॉकरोच है। तो एक और हमारी समस्या है, मेड और कुक ढूंढने की। 3-4 दिन से सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। एक सब्जी वाली अक्का है जिनसे हमने सोचा था पूछेंगे, उन्होंने बोला था वो बताएंगी, क्योंकि उनके घर पे भी कोई एक मेड अक्का आती है जो नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन दोनों बना लेती है और अच्छा बनाती है, ऐसा उन्होंने बोला। हमें भी वही चाहिए था कि कोई ऐसा हो जो नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन दोनों फूड बना ले। बट वो 3-4 दिन से शायद एब्सेंट चल रही हैं, आ नहीं रही हैं वहाँ पर। तो एक बार के लिए कपिल ने बोला फेसबुक ग्रुप्स पे भी देखो, हो सकता है कोई और बेटर मिल जाए। तो अभी जस्ट मैं जा रही थी फेसबुक ग्रुप पे सर्च करने, सब बोर हो गए और हमें ज़्यादा बनाने भी नहीं आता दाल चावल रोटी सब्जी, और टेस्ट भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं आते हमें। इसलिए तो बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं, हमें ढेर वेराइटीज़ ऑफ खाना मिलेंगे, टेस्टी खाने भी मिलेंगे और हेल्दी खाने भी मिलेंगे और टाइम टू टाइम खाने मिलेंगे, और हम लोग घर का खाना खाएंगे। नहीं तो हम लोग कभी कभी नहीं बना पाते, फिर हम बाहर जा के खा लेते और बाहर का खाना बिल्कुल हेल्दी नहीं होता। इसको मैं, इस कॉकरोच को मैं क्या करूँ, उल्टा ही रखना है, पेपर से उठाऊँगी और ले जाके बाहर कहीं एक तरफ डाल दूंगी, फिर वो खुद ही भाग जाएगा, है ना। सो दिस इज द टेंट फॉर बॉन्डा प्लेस। दस सो नहा धो चुकी हूँ, अब बॉन्डा प्लेस की पूजा करेंगे और फिर हरी परमे करने के लिए करना पड़ता है, वरना वो मैं मार देता। तो ये मैंने अब तक पढ़ा नहीं है, पर आज पढ़ लूंगा क्या होता है। हम लोग घर वापस पहुंच चुके हैं, थके आ रहे, आज बहुत काम था ऑफिस में, ऐसा लग रहा था सर ने छुट्टी के बाद फुल प्लान करके रखा है सारे एम्प्लॉयज के साथ। बस थक गया हूँ यार, बस खाना चाहता हूँ। आज सुबह से हम लोग ने खाना नहीं खाया, बहुत लेट हो गए थे, और जाते क्या डांट पड़ी है भाई। थोड़ी देर में मैगी बनाएंगे, आज बस ऐसे ही सस्ता सस्ता टिकाऊ खाना खा के जिंदगी चला रहे। जिस तरह एक कुत्ता अपने मालिक की वफादारी करता है, उसी तरह मैं तुम्हारे प्यार की वफादारी करूंगा। क्या डायलॉग था, जिस तरह एक कुत्ता अपने मालिक की वफादारी करता है, वैसे मैं तुम्हारे प्यार की वफादारी करूंगा। हे भगवान, चलो दोस्तों मैगी बनाते हैं। हाउ मच टाइम आर यू गोइंग टू टेक शिपाली? ये उसका भाई है, उसके भाई ने इसको मार दिया। क्यों? तुम अपने इस भाई की आंखों में प्यार देखते थे, मुझे अच्छी तरह पता था। अफसोस प्यार के पर्दे के पीछे की मकारी नहीं देख पाए। हम प्लान कर रहे थे ऑफिस में, जब हमारे ऑफिस में जो फ्लोर है ना वो वुडन था, तो जब उन्होंने फ्लोरिंग हटाई तो सारी लकड़ियाँ लेके जाए थे उन्होंने, तो उसमें से 3-4 लकड़ी हम भी उठा लेते अपने घर में, आग जलाएंगे ठंडी में। ऐसे बैंगलोर में ज़्यादा ठंडी नहीं होती, पर जस्ट थोड़ा सा बाहर बैठ के रिलैक्स किया थोड़ा सा, क्योंकि रात के टाइम में तो थोड़ी ठंड होती है, तो एक अलग सा मोमेंट हो जाएगा, फायर में भी टाइम स्पेंड हो जाएगा और पीस और थोड़ी हवा, बालकनी, 3 लोग बैठ के बस यूँ ही शांति मस्ती। तो मैं इस चिट्ठी में मूवीज़ के नाम लिख रही हूँ, तो हम दोनों में से जिसके पास जो चिट्ठी आएगी उस मूवी जो और जो भी उसके अंदर होगा उसका नाम पढ़ के एक्टिंग करनी होगी, और सामने वाले को बताना होगा कि कौन सी मूवी की एक्टिंग कर रहा है।
क्यों? तुम उधर मत देखो, तुम चीटिंग, तुम क्यों देख रही हो? चीटिंग है, तुम उनको दिखा रहा हूँ, तुम इधर मत देखो। ये क्या बात हुई, ये तो ऐसे थोड़ी होता है, उनको क्यों दिखा रहे हो? वो भी गेम खेलेंगे ना हमारे साथ। हो गया, एक तो नाम लिख लिया है, दिखाए जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ आप भी हमारे साथ गेम खेलो और गैस करो, फिर मजा नहीं आएगी ना। वो तेरी एक्सपेक्टिंग भी मुझे ही करनी है क्या? तो दोस्तों ये हमारी चिट्ठियाँ हैं, मैं सोची थी मैं ऐसे उछालूंगी और फिर एक उठाएंगे। तुमने भी यही लिखा है, ये तुम्हारे मूवी है या मेरी मूवी है? ये सब छोड़ो, अभी जो है वो मैं एक्टिंग करूंगी, तुम्हें गैस करना है। अब हे भगवान ये क्या हो रहा है? ये भूल भुलैया है आपको दिखाता हूँ कि मेरी एक्टिंग कैसी होती है। इसको कुछ तो मिल गया है, दरवाजा बंद। और ये मेरी ही मूवी है, मजे की बात ये है। तुम्हारी मूवी? ओहो। ये कुछ बजाने वाले, देखो इसको बजाने नहीं आता तो उसको ज्यादा कुछ बजाना, मैं बता दूंगी पहले। तो भी हम दोनों के बीच में टक्कर, तो थोड़ा टक्कर चल रही है, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे। कपिल एक स्कोर से मुझसे आगे, कपिल का 3 है, मेरा 2 है और आखिरी की 2 चिट्ठियां बची हैं जिसमें से मैंने एक उठा लिया, देखते हैं क्या होने वाला है आगे। हाँ तो बहुत पेचीदा है, समझ गया इस पे एक्टिंग कैसे करूंगी मैं। तो दोस्तों अब बारी आ चुकी है असली खेल की, ये आखिरी राउंड है, इसमें जो जीता है सिकंदर। शेफाली कोई भी मूवी का डांस करे, डांस उससे यही आता है। मुझे नहीं आता था, मैं क्या करूं, उसमें वो हीरोइन है, वो अजीब से रोमांटिक डांस कर रही होती है। पहली स्किट की दोस्तों ना, जो मैंने पहली स्किट की थी उसमें मैं बनी थी पेड़, क्योंकि वो स्किट थी एनवायरनमेंट के बारे में, और फिर उसके बाद हमने एनवायरनमेंट की सफाई की, उसमें झाड़ू लगाने की एक्टिंग की थी। हाँ बोलो, हिंदी या इंग्लिश? इंग्लिश, जैसे कैट में 3 ही लेटर है। लेटर से बोल रही हूँ। ओके, 3 लेटर वर्ड ओनली, वाओ। कैन यू फाइंड एनीथिंग, क्या तुम्हें ऐसा कुछ? डी। पूरे मूवी का नाम ही डॉग है। डॉन। यस। ओह वाओ, डी से डॉन। या डॉन 1 या डॉन 2? डॉन। फिर मैंने सोचा है मैं जीतूं, सब हारे दरवाजे